हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरेटिक ईडीयू। इस वीडियो में मैंने फरवरी मंथ के फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जो आने वाले कैनरा बैंक पीओ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनल न्यूज़, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है इंडिया कोरिया बिजनेस समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंडिया कोरिया बिजनेस समिट कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। अब देखिए, जब समिट होगा तो इसका थीम भी होगा जो इम्पोर्टेंट होगा। तो द थीम ऑफ द समिट दिस ईयर इज इंडिया कोरिया स्केलिंग ऑफ द स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा थीम था। अब यहाँ से एक स्ट्रेटेजी के निकल सकता है, क्या साउथ कोरिया कि प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो प्रेसिडेंट है मून जाइन और कैपिटल है सियोल। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, उमा भारती लॉन्चेस सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ सोजल योजना इन राजस्थान। उमा भारती जी ने सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, किस चीज का? तो सोजल योजना का। कहां? तो राजस्थान में। अब देखिए, यहां से एक स्टैटिक जीके बन सकता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन कौन है? तो उमा भारती लॉन्च द सोजल पायलट प्रोजेक्ट एट विलेज भीमकमपुरा इन राजस्थान। तो हमारा यहां से एक स्ट्रेटेजी क्या बनेगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन कौन है? तो उमा भारती है। इन्होंने क्या लॉन्च किया? तो सोजल योजना लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया? तो राजस्थान लॉन्च किया। हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है ब्लू कलर्ड बाल आधार कार्ड लॉन्च्ड बाय यूआईडीआई। अब देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई का फुल फॉर्म हुआ ये, इंट्रोड्यूस्ड अ बाल आधार कार्ड फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। नो बायोमेट्रिक डिटेल विल बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस ब्लू कलर्ड बाल आधार कार्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो बाल आधार कार्ड है उसका कलर क्या होगा? तो उसका कलर होगा ब्लू। दूसरा, बाल आधार कार्ड को किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च बाय यूआईडीएआई ने। ठीक है, यूआईडीएआई का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके सीईओ हैं अभी अजय भूषण पांडे और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, अब पूछेगा कि बाल आधार कार्ड कितने साल के बच्चों के लिए बनाया जा सकता है? तो बिलो 5 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और दूसरा बने, नो बायोमेट्रिक डिटेल्स विल बी रिक्वायर्ड, कोई बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं चाहिए। करंट अफेयर हमारा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल बायोफ्यूल बिगेन इन न्यू दिल्ली। अ 2-डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज बिगन इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल बायोफ्यूल कहाँ स्टार्ट हुआ? तो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से एक स्टैटिक जीके बनेगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस विल बी हेल्ड इन हैदराबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ हेल्ड होगा? तो हमारा आंसर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, डीआरडीओ सक्सेसफुली कैरीज आउट टेस्ट फ्लाइट ऑफ उत्तम 2 ड्रोन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली फ्लोन इट्स अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल रुस्तम 2 इन कर्नाटक। अब यहाँ से देखिए, डीआरडीओ के बारे में जान लीजिए। तो डीआरडीओ के अभी चेयरमैन है एस क्रिस्टोफर, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। इसने अभी किस चीज का टेस्ट फ्लाइट किया? तो रुस्तम 2 ड्रोन का। ठीक है, करंट अफेयर है, पीएम मोदी लॉन्चेस अम्मा 2-व्हीलर स्कीम इन चेन्नई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द अम्मा 2-व्हीलर स्कीम इन चेन्नई। द स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहेंसिंग द लिवलीहुड ऑफ वर्किंग वोमेन एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज 2-व्हीलर टू वोमेन ट्रांसजेंडर एंड डिफेंसली एबल्ड पर्सन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक लॉन्च किया है अम्मा 2-व्हीलर स्कीम, कहाँ? तो चेन्नई में। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी ने कौन सा स्कीम अभी चेन्नई में लॉन्च किया था? हमारा आंसर होगा अम्मा 2-व्हीलर स्कीम। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो 15th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2018 हेल्ड इन हैदराबाद। 15th एडिशन ऑफ बायो एशिया द एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वॉज हेल्ड इन हैदराबाद। द थीम ऑफ बायो एशिया 2018 वॉज राइट टाइम राइट नाउ। तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15th एडिशन ऑफ बायो एशिया कहाँ हुआ? तो हमारा आंसर होगा हैदराबाद में। इस बार का थीम क्या था? थीम था
राइट टाइम राइट नाउ। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, तमिलनाडु माइक्रोसॉफ्ट टाई अप टू एक्सेलरेट क्लाउड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अनाउंस साइनिंग एन एग्रीमेंट विथ आईटी मेजर माइक्रोसॉफ्ट टू इम्प्रूव द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग इन द स्टेट। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तमिलनाडु ने अभी किस आईटी मेजर के साथ टाइप किया था, आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तमिलनाडु के प्रेजेंट सीएम है ई पलनीसामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। हमारा करंट अफेयर है, अंडमान एंड निकोबार कमांड टू होस्ट मिलन 2018। द सेकेंड वीक ऑफ मार्च विल विटनेस अंडमान एंड निकोबार कमांड होस्टिंग अ मल्टीनेशनल मेगा इवेंट मिलन 2018। द थीम ऑफ दिस ईयर मिलन इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार इज इन परस्यूट ऑफ मैरीटाइम गुड ऑर्डर नीड फॉर कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑपरेटर्स। तो अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है इस बार होस्ट करेगी मिलन 2018। मिलन क्या है? मिलन इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार है। जो मिलन का जो इस बार का थीम था वो था इन परस्यूट ऑफ मैरीटाइम गुड ऑर्डर नीड फॉर कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, इंडिया टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन मार्च 2018। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISS समिट ऑन 11th मार्च 2018। तो इंडिया जो है पहली बार होस्ट करेगी पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब, तो मार्च में। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, असम टू ऑब्जर्व राइनो डे ऑन सितंबर 2022। द असम गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व सितंबर 2022 एज राइनो डे। असम गवर्नमेंट जो है अब सितंबर 22 को राइनो डे के रूप में सेलिब्रेट करेगी। अब देखिए यहाँ से कुछ स्ट्रैटेजी के हैं, असम के अभी प्रेजेंट सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, 44th खजुराहो डांस फेस्टिवल हेल्ड इन मध्य प्रदेश। द 44th एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल 2018 वॉज हेल्ड इन खजुराहो टेम्पल अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश। इट वॉज इनोग्रेटेड बाई मध्य प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ से देखिए पहला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ हेल्ड हुआ, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा खजुराहो टेम्पल कहाँ है, तो खजुराहो टेम्पल हमारा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तीसरा मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर कौन है, तो मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर धनुष मिसाइल। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस धनुष बलास्टिक मिसाइल विथ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 350 किलोमीटर फ्रॉम अ नेवल शिप ऑफ ओडिशा कोस्ट। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया धनुष मिसाइल जिसका स्ट्राइक रेंज कितना है, 350 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए अब DRDO के बारे में कुछ जानते थे। DRDO के प्रेजेंट चेयरमैन है एस क्रिस्टोफर, प्रेजेंट चेयरमैन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है हमारा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल न्यूज, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है माइकल एम कॉर्मैक नेम्ड ऑस्ट्रेलियाज न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो माइकल एम कॉर्मैक बने ऑस्ट्रेलिया के न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर, चाइना बिकम्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चाइना वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो चाइना को इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, ये ग्लोबल बॉडी है मैंडेट टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें काम करता है वो किस चीज में, तो टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग में। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 21st फरवरी। यूनेस्को हैज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑन 21st फरवरी। द 2018 थीम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड मल्टी लिंग्वलिज्म काउंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूनेस्को ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब, 21 फरवरी को। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, इंडिया इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो बिगिंस इन कोलंबो। द 3-डे इंडिया इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो IIT एक्सपो ऑफ इंडिया बिगेन इन श्रीलंकन कैपिटल ऑफ कोलंबो। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो कि इंडिया इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर होगा कोलंबो में। हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है, EPFO इंट्रोड्यूसेस UAN आधार लिंकिंग न्यू फैसिलिटी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज इंट्रोड्यूस UAN आधार लिंकिंग फैसिलिटी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मेंबर्स यूजिंग EPFO लिंक इन उमंग मोबाइल ऐप। तो अब
लोग उमंग मोबाइल ऐप से अपना जो यूएएन नंबर है उसको आधार से लिंक कर सकते हैं। कौन ऐप का नाम है? उमंग मोबाइल ऐप। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, आरबीआई लॉन्चेस अवेंसमेंट स्कीम फॉर एनबीएफसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अवेंसमेंट स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फॉर रिड्यूसल ऑफ कंप्लायंस अगेंस्ट देम। द ऑफिस ऑफ द एनबीएफसी अवेंसमेंट विल फंक्शन एट 4 मेट्रो सिटीज, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, पहला कि आरबीआई ने अभी लॉन्च किया अवेंसमेंट स्कीम किसके लिए? तो एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दूसरा, इसका ऑफिस कहाँ कहाँ होगा? इसका ऑफिस होगा न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में, चार जगह इसका ऑफिस होगा हमारा। अब है कि यहाँ से कुछ स्ट्रैटेजी के बन सकता है आरबीआई के बारे में, पैकी कि आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल और आरबीआई का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि पेटीएम लॉन्चेस 2 इंश्योरेंस कंपनीज। पेटीएम ने 2 इंश्योरेंस कंपनी को लॉन्च किया है, पहला पेटीएम लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक स्टार्ट्स ऑपरेशन। तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड स्टार्टेड ऑपरेशन इन मेकिंग इट द फिफ्थ पेमेंट बैंक टू रोल आउट ऑपरेशन। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल पेमेंट बैंक कितने हैं? तो अभी 5 हैं, जिसमें आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ने अभी स्टार्ट किया है अपना ऑपरेशन। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है स्पोर्ट्स न्यूज का, इसमें हमारा पहला करंट अफेयर है योंगचांग विंटर ओलंपिक 2018। योंगचांग विंटर ओलंपिक 2018 ऑफिशियली नोन एज 23rd ओलंपिक विंटर गेम्स वेर हेल्ड इन योंगचांग साउथ कोरिया। तो योंगचांग विंटर ओलंपिक 2018 कहाँ हेल्ड हुआ? तो हुआ योंगचांग साउथ कोरिया में। इसमें तीन कंट्री हमारा टॉप पर थे, पहला नॉर्वे, इसने टोटल 39 मेडल जीते हैं, जिसमें 14 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट हमारा जर्मनी है, टोटल 31, जिसमें 14 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। फिर हमारा है कनाडा, टोटल 11, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, पारुपल्ली कश्यप विंस ऑस्ट्रेलियन ओपन। पारुपल्ली कश्यप विंस ऑस्ट्रेलियन ओपन इंटरनेशनल चैलेंज। तो पारुपल्ली कश्यप ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन इंटरनेशनल चैलेंज। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, अरुणा बुड्डा रेड्डी बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल एट जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप। अरुणा बुड्डा रेड्डी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप इन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। शी क्लिंच्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स वर्ल्ड। तो अरुणा बुड्डा रेड्डी पहली भारतीय बनी है जिसने इंडिविजुअल मेडल जीता है जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में। उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो वह ब्रॉन्ज मेडल जीती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह अपॉइंटमेंट्स का, इसमें हमारा पहला करंट अफेयर है, टीवी जर्नलिस्ट राहुल महाजन नेम्ड राज्यसभा टीवी एडिटर इन चीफ। टेलीविजन जर्नलिस्ट राहुल महाजन हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिटर इन चीफ ऑफ द टेलीविजन चैनल राज्यसभा टीवी। तो राज्यसभा टीवी के जो नए एडिटर इन चीफ होंगे वो होंगे राहुल महाजन। नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस में करंट अफेयर है कि इंडियाज रैंक 47th ऑन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स फेसबुक। फेसबुक के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो है 47th है इंटरनेट इंडेक्स में। इंडिया हैज बीन रैंक 47th आउट ऑफ 86 कंट्रीज ऑन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU व्हिच वाज कमीशन बाय द फेसबुक। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ऑबिचुरीज का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर, लीजेंडरी बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी पासेस अवे। वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड पद्मश्री अवार्डी श्रीदेवी पास्ड अवे, शी वॉज 54। श्रीदेवी वॉज डाइड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इन दुबई। तो हम लोग अभी न्यूज में भी देखे हैं हाल में ही कि श्रीदेवी जी की का देहांत हो चुका है। वो एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और उनका उम्र 54 साल था। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो दुबई में हुई। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, रिनाउंड वायलिनिस्ट MS आनंद रमन पासेस अवे। नोटेड वायोलिनिस्ट MS आनंद रमन हैड एक्सपोनेंट ऑफ परूड स्टाइल ऑफ वायोलिन प्लेइंग हैड पास अवे। ही वॉज 94 एंड वॉज प्रोफिशियंट इन कर्नाटिक म्यूजिक। अब यहाँ से देखिए, पहला MS आनंद रमन जो है
वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो वो कर्नाटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड थे। वो एक क्या थे? तो वो एक वायलिनिस्ट थे, मतलब वो वायलिन बजाते थे, वायलिन वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी टी एस आर सुब्रमण्यन पासस अवे। फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी टी एस आर सुब्रमण्यन पासस अवे, ही वॉज 79 ईयर्स ओल्ड। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।